नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं श्याम पटेल। अब आप मन देखा तो सावधान छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप मतलब पता है कि छत्तीसगढ़ फिल्म के ए टू जेड खबर हमर सावधान छत्तीसगढ़ के माध्यम से आप मतलब प्राप्त होते। जैसे कि हमला आज गढ़ कलेवा बुलाया गया रही से, गढ़ कलेवा में रही से बेटा फिल्म से रिलेटेड जो कलाकार मन है, जेन फिल्म हाँ 22 नवंबर के आवत है आप मन के नज़दीकी सिनेमा घर में, ओखर बारे में चर्चा परिचर्चा करे पर तो हमन ये फिल्म से रिलेटेड कलाकार मन से मेलजोल करे पर आए हैं। हमारे पास में है साथी कलाकार जो पिक्चर के या ये फिल्म के कहा जाए स्टार कास्ट। चलो हम पुमंग राज जी से बात करथन, परिचर्चा करथन, चर्चा करथन। आप मन के स्वागत है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम पुमंग राज है और जैसे कि आप मन पता है 22 नवंबर को हमार फिल्म बेटा आते तो वहाँ मैं मुख्य भूमिका निभा हूँ। तो जो पूरा फिल्म है वह माँ बेटा ही ओरिएंटेड फिल्म है शुरू से आखिरी तक, और गाना चले के रीज़न भी ये रही से कि माँ बेटा वाला इमोशन के कारण। तो पूरा फिल्म में इमोशन पूरा है शुरू से आखिरी तक। तो अगर दर्शक ला गाना अच्छा लगी तो फिल्म तो ऑफकोर्स अच्छा लगी होगा। अच्छा, तो जैसे कि हम ये जानना चाहबो कि फिल्म में रिलेटेड या तो हम माता पिता है ना, जो माँ बेटा के जो रिश्ता होते या बाप बेटा के जो रिश्ता होते, ये रिश्ता से और का कुछ देखे ले मिली है ये फिल्म में? ये फिल्म में है का कि जो बेटा है और कैसे अपन बेटा होकर गौरव प्राप्त करते, ये फिल्म में बताया गया है। तो ये फिल्म एक इमोशनल पारिवारिक फिल्म है जेमा मतलब हीरो का कैसे गुजरते, कहाँ कहाँ से गुजरते, ये सब आपने देखे मिली का तकलीफ आते होकर ज़िंदगी में, वो कैसे हुआ दूसरा ला सुधारते तकलीफ होते हुए भी, ये सब आपने फिल्म में देखे मिली। जैसे आज के युवा कहा जाए तो घर परिवार से या अपन माँ बाप से अलग हो जाते, भटक जाते, या फिर कुछ दारू पत्ती या फिर नशाबाज ऐसे करके कुछ वो कर क्षेत्र ला अलग कर लेते, या फिर जैसे शादी बर ब्याह होने के बाद में थोड़ा सा साइड हो जाते, अपन माँ बाप से अलग हो जाते, ऐसे वो जो युवा पीढ़ी है वो मतलब आप मन का संदेश देना चाहते हो ये फिल्म के माध्यम से, जिन प्रकार से आप मन बतावत हो कि जोड़ के रखते, संजो के रखते जो बेटा है वह अपन जो पिताजी के वो इज्जत मान मर्यादा मतलब, तो जी जैसे आप बोले हो वैसे ही है। जैसे आप बोले हो कि इति विति जो युवा मन भटक जाते तो फिल्म में वहू देखे मिली बोला कैसे एक साथ जोड़ते और कैसे इकट्ठा करके रखते कि कहाँ कहाँ जो भटका थे मतलब। और फिल्म के जो खास बात यह है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ी के कल्चर और परंपरा है इला काफ़ी उजागर करेंगे, एक पहले जो कहीं नहीं मिले, जैसे वहाँ खाड़ा देखे मिली आपला, बांस गीत मिले और हमें दूध के ऊपर गाना है एक पता ही हुई जो कि अभी तक कभी नहीं बने, और अलग अलग टॉपिक पे गाना बनते पर दूध के ऊपर कभी नहीं बने। और एमा जो ठेठ भाषा के प्रयोग करेंगे छत्तीसगढ़ी के, वो अब ये तो गारंटी कहीं भी नहीं मिले इसे भाषा जी। तो ये छत्तीसगढ़ के कल्चर ला उजागर करते, तो सब दर्शक से यही आग्रह है कि फिल्म ला देखे बराए, छत्तीसगढ़ के कल्चर के लिए परम्परा के लिए बहुत ही ज़रूरी फिल्म है जी। ऐसा कोई चीज़ जो हमन पूछना पूछे ले भुलावा थन जेन ला आप मन बताना चाहो हमारे दर्शक मन ला? ये है कि जब अभी मैं 19 साल के हूँ और फिल्म जब शुरू कर रहा हूँ तो मैं 17 साल और एक महीना के रहे हूँ फिल्म में टाइम, तो वो टाइम मैं कैमरा वैमरा फेस नहीं कर रहा हूँ। तो वो टाइम तो शुरू में तो काफ़ी अच्छा रही से, पर धीरे धीरे जब शूटिंग चलत रही से, फिर हार्ड वर्क जब बढ़ी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी से, तो तकलीफ भी हुई से और मज़ा भी यही से। अब हमारे साथ में जुड़ गए हैं ये फिल्म से रिलेटेड मतलब बेटा फिल्म से रिलेटेड ये फिल्म के जो राइटर हैं, निर्माता है और जो निर्देशक हैं वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। साथ ही ये फिल्म में अभिनेता के तौर पर बतर एक्टर के तौर पर ये फिल्म में काम कर रहे हैं, हमारे साथ में सर हैं। सर आप मन के परिचय? जम्मू संगवारी में पहली नमस्कार, जय जोहार। मो नाम है चंद्रशेखर चकोर और मैं 22 नवंबर के पूरा छत्तीसगढ़ में रिलीज हुआ थे छत्तीसगढ़ी पारिवारिक फिल्म बेटा, वो का लेखक निर्देशक और अभिनेता हूँ। वैसे फिल्म में मूल रूप से मुख्य हीरो है पुमंग राज, जिन छालीवुड के सबसे कम उम्र के हीरो है, जिन 17 साल एक महीना के उम्र में शूटिंग में गीस है, वो फिल्म आज रिलीज हुआ था अभी। एमा नायिका है हेमा शुक्ला, शालिनी विश्वकर्मा, लेखा श्री शिव चंद्राकर, घनश्याम वर्मा, गजेंद्र साहू, सुदामा शर्मा, बलराज पाठक जी और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कलाकार एमा है जी। सर जैसे कि आप मैंने ये फिल्म बनाए हों बेटा एक नाम दे हो शीर्षक, ये कौन से जोन में जावा थे? जैसे अगर हम एक जो रिलेशन लेके चली तो माँ बेटा के या फिर बाप बेटा के ऐसे करके रिलेशन चलते, आप मन कुछ नया चीज़ें परोसत हो? वैसे तो ये एक क्लासिकल फैमिली ड्रामा जो बोले जाते हैं ना वो माँ आते, तो स्वाभाविक है बेटा है, माँ है, बाप है, पर मूल रूप से कर जो कथानक है वो बेटा के कैसे भावना से है, जो अपन पिताजी के जो स्वाभिमान है
ओला पाए के लिए संघर्ष करते और अपन परिवार में एक सामंजस्य बना के एकता ला के पूरा सफल कोशिश करते। अच्छा, अभी जैसे हाल ही में कई सारा फिल्म लगातार अभी आप मन देखे हो कि फ्लॉप चला थे, और ये बीच में ये जो समय है, ये जो दौर है, ये फिल्म में आप मन साहस करके अपन फिल्म लाए हो बेटा फिल्म ला, आप मन कैसे देखा था पब्लिक तक, एक जो कहा जाए फिल्म से जो संबंधित चीज़ है वो मन पब्लिक तक पहुँचा थे कि नहीं? नहीं, प्रचार तो पूरा प्रचार कर रहा था ना, हर दर्शक तक अगर जानकारी जात है। अब ये दर्शक ऊपर निर्भर करते कि वो फिल्म देखे बार घर से निकल ही कि नहीं निकल ही, कि जो दर्शक छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति में अपन एक आस्था रखते विश्वास रखते वो दर्शक पक्का हमारे पिक्चर तक आई और बेटा फिल्म ले देखी। जी बिल्कुल, ऐसे होते कि हमन अपन तरफ से कोशिश करथन बाकी पब्लिक ला कौन सा चीज़ अच्छा लग जाए या फिर जो दर्शक हैं वो कौन सा चीज़ अच्छा लग जाए। हाँ। अपन दर्शक के लिए क्या कहना चाहता हूँ? दर्शक मन यही कहा था कि फिल्म कोनो भी बनाए, जो भी फिल्म आते छत्तीसगढ़ी फिल्म वो फिल्म जरूर देखना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक फिल्म देखी तो फिल्म के निर्माता निर्देशक मन प्रोत्साहित हुई, कलाकार प्रोत्साहित हुई, तो भविष्य में वो बेहतर फिल्म बनाई, बड़े रूप में फिल्म बनाई और छालीवुड जो छालीवुड है विकसित हुई, यहाँ की जो भाषा संस्कृति वो हो स्थापित हुई। एक समय ऐसे भी आ सकते कि जैसे साउथ की फिल्म छत्तीसगढ़ में देखे जाते छत्तीसगढ़ी फिल्म दूसरा राज्य में देखे जाए। जी बिल्कुल। तो अब ये फिल्म से रिलेटेड, हमार बेटा फिल्म से रिलेटेड जेन हाँ 22 तारीख के आवत है वो फिल्म से रिलेटेड, ये फिल्म के खलनायक और साथ ही ये फिल्म में जो दमदार इंस्पेक्टर के काम करे हैं या फिर पुलिस वाला के जो काम करे हैं, दोनों शख्स हमारे साथ में शामिल है और इमन से जानथन ये फिल्म से रिलेटेड या फिर ये फिल्म में काम करके इमन ला कैसे लगे। सर सबसे पहले आप मन के स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं ये बेटा फिल्म में मेन विलेन के काम करे हूँ और वैसे मैं ये फिल्म लाइन से 2009 से जुड़े हुए आदमी हूँ। अगर पहली हम थिएटर के आर्टिस्ट हैं, थिएटर में काफ़ी 20-25 साल तक 1989 से हम थिएटर से जुड़े रहे, ठीक है। जब ये फिल्म के काम जब छत्तीसगढ़ में शुरू हुई से तो सबसे पहली हम 2009 में गुरावट फिल्म में रोल करे के मौका मिली जमा मैं हीरो के रोल में ही रहे हूं। और चकोर भाई जब ये बेटा फिल्म बनीस तो मैं हाँ सबसे पहले ये बोले भैया मुला हीरो से ज़्यादा विलेन के जो करेक्टर होते वो मुला बहुत अच्छा लगते हैं। ऐसे लगते कि कोई मुला रोल देती विलेन के तो मैं वो काम करते हूँ। तो ये मौका चकोर जी मुल दिस बेटा फिल्म में और एमा मेन विलेन के रोल करे हूँ। काम करके आप मतलब कैसे लगे? बहुत अच्छा। एक तो अनुभव भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। 2009 में जब हम फिल्म की शुरुआत हो रही उस समय और आज के में एक कैमरा के एडिटिंग के बहुत सारा चीज़ बहुत ऊपर तक आ चुके हैं और बहुत अच्छा बहुत मज़ा आई। पहले के हिसाब से आपके लेवल बहुत बहुत आगे तक है, बहुत आगे निकल चुके हैं और ये विलेन के रोल करे में बहुत मज़ा आई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई। मैं तो अपन आप में रोल जो भी हो मैं वो चीज़ नहीं बोल सकूँ कि लोगों ने पसंद आई कि नहीं आई, लेकिन अपन आप में एक बहुत अच्छा मज़ा आई, बहुत अच्छा फील हुई। अच्छा, दर्शक मन से क्या कहना चाहते हैं? दर्शक मन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेटा फिल्म बहुत अच्छा फिल्म बने हैं और ये मावा 22 नवंबर के लगत है यहाँ रायपुर श्याम टाकीज में और पूरा छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह अलग अलग सिनेमा घर में लगी, देखाओ बहुत अच्छा फिल्म है, बहुत मज़ा ही देखे में। आप मन अपन परिचय देते हो? नमस्कार, मोर नाम संजय बघेल है। मैं हाँ ये फिल्म में इंस्पेक्टर के किरदार निभाए हूँ और मैं 2003 से छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करता हूँ। मायारू भौजी से मैं शुरू करे हूँ, मायारू भौजी में चोरहा के रोल कर रहे हैं, ओकर बाद बहुत सारे पिक्चर अभी 5 पिक्चर में हो रही। पहले आप मैं चोरहा के रोल कर रहे हो, अब इंस्पेक्टर। ये मोर सौभाग्य कि मैं अलग अलग किरदार निभावत हूँ। ये एकर क्रेडिट में देना चाहता हूँ चकोर जी ला। चकोर जी के हमन परमानेंट आर्टिस्ट हैं, वह जोन भी पिक्चर बनाते हमन ला चाहे कतको बड़ रोल देवे लेकिन रोल जरूर देते। ओकर पहली 2 पिक्चर बनी सोह गुरावट ओमा बन रही रहे हमें हैं वो टाइम में, यह नीरी सोकर बात बने चक्कर गुरु जी के और ये तीसरा फिल्म है बेटा। और जैसे कि आपन जाना था कि महा टैलेंटेड डायरेक्टर राइटर और आर्टिस्ट चंद्रशेखर चकोर और मोर सौभाग्य में कि मैं हम इंस्पेक्टर के किरदार निभाए और ये चाह गुंडा चौराहा के एकर मोर टसन रही से।
कैसे टाइप के आप मन करेक्टर करो अगर दोनों के आमना सामना हुई से तो का मार पिटाई हुई से मैरिज पिटाई हुई से और एमा में एक ठन तकिया कलम बनाए रहे हो और दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पाइस लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ मोल बहुत अच्छा लागते मैं आप मन के माध्यम से दर्शक तक पहुँचाना चाहता हूँ ये मारी मोनावरिस इंस्पेक्टर बाघमारे तो मोर तकिया कलाम मैं बना रहे हूँ कि मैं हूँ इंस्पेक्टर बाघमारे लेकिन मैं अभी तक मूसवा तक नहीं मारे दर्शक मन से यही कहना चाहता हूँ कि एक गाना मन तो अतेक सुपरहिट हो गए है एक ठन गाना जन है लोरी गाना है जुगुर जुगुर तेकर 16 लाख व्यूज हो चुके हैं एक ठन गाना के तोर मोर संग झन छूटे तेकर 10 लाख हो चुके हैं तो जेकर गाना पहली सुपर हिट हो चुके हैं आप मन बॉलीवुड के पिक्चर देखा था कि वो एक ठन गाना पहली हिट हो गए पिक्चर बाद में बनी तो उसने गाना एकर एकदम सुपर हिट है लेकिन चकोर के एक यह है मतलब समझ ले शैली है या प्रतिभा कहना चाहिए कि वो बहुत मार्मिक पिक्चर बनाते दिल छू लेने वाला पिक्चर बनाते वह तब मैं चाहता हूँ कि वो बढ़ावा देवाओ जत के आप मन ये पिक्चर ला देखूँ ओत के चकोर हो पिक्चर बनाते रही और आप मन के आगू में पेश करते रही धन्यवाद भाई नमस्कार जय जोहर मोर नाम घनश्याम और मैं संगवारी हो और मैं बहुत आप मतलब खुशी के साथ ये अनुभव पेश करना चाहता हूँ कि आज हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म जो 22 तारीख के नवंबर में भी रिलीज होने वाला है ओकरे आज हम पहुँचे हवन प्रमोशन के खातिर में हमारे साथ में सुदामा शर्मा जी हो कुछ गोठियाई मैं बाद में गोठिया हूँ चलिए सोमवारी हो जय जोहार सबले पहली मैं ये बताना चाहता हूँ ये बेटा फिल्म जो है वो का कई ठम विशेषता है जैसे ये फिल्म के हीरो है मात्र 18 साल के हैं सबसे छोटे उम्र के दूसरा विशेषता एम सारा गाना रिकॉर्ड तोड़ मतलब पापर हो चुके हैं कुछ गाना बताओ था जैसे जुगुर जुगुर जुग जुगावत है एक उदाहरण है ऐसे से कई गाना हैं तीसरा विशेषता है कि यहाँ छत्तीसगढ़ के 100% कल्चर ला संस्कृति ला पिरोगे है उमा बोली भाषा तीज त्यौहार रहन सहन पूरा समावेश है चौथा विशेषता ये है कि यहाँ व्यक्तिगत एक यादव समाज के परिवार में स्टोरी घूमते यहाँ बांस गीत दूध वाले गाना है वहाँ दूध बेचते हीरो है इमा बहुत बड़ी बात है ये अभी तक कोई फिल्म नहीं बता है तीसरी विशेषता ये है कि एक फिल्म है 8 फिल्म बनत ये थोड़ा व्यावसायिक बना दी बाकी ये 8 फिल्म बना के एक वो प्रयास चलत रही से इमा अतिशोक्ति कुछ भी नहीं है बिल्कुल सामान्य ढंग से चलते जैसे सामान्य 8 फिल्म हो तो उस टाइप के बाकी जो है आप फिल्म देखो जय जोहर सर आप मन के का नाम है जय जोहार जय छत्तीसगढ़ मोर नाम है उत्तम ठाकुर मैं भी ये पिक्चर में काम करे हूँ और जहाँ तक ये पिक्चर के सवाल है एक हीरो ला अपन ये पोस्टर के माध्यम से देखा तो युवा है यहाँ के कल्चर यहाँ के संस्कार यहाँ के संस्कृति बोल भाषा गीत संगीत सब छत्तीसगढ़िया ठेठ छत्तीसगढ़िया देखना है तो बेटा फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगन मन ला कहना चाहता हूँ कि बेटा फिल्म आके देखें और यहाँ की कला संस्कृति संस्कार कैसे है और ठेठ जो भाषा है जो नंदावत है ओला पिक्चर में देखे पर जरूर मिली जी 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 अच्छा हमन ए फिल्म से रिलेटेड कलाकार मन की बात करें तो कलाकार में कौन कौन हमला देखे ले मिली छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के वैसे कलाकार में कहा जाए तो सब रंगमंच से जुड़े हुए और फिल्मी कलाकार हैं जैसे चंद्रशेखर चकोर जी है शिव आनंद जी है सुदामा शर्मा जी है संजय बघेल है लेखा श्री नायक है हेमा शुक्ला जी है और यूट्यूब में जो सोन के नसीब वाला आप मन जानते हो उससे शालिनी विश्वकर्मा जी है उत्तम ठाकुर है राम कुमार वर्मा है लक्ष्मी नारायण वर्मा है तो इनमें एक से एक नामी गिनामी कलाकार आप मतलब देखे मिली मैं स्वयं घनश्याम वर्मा हवाऊँ मोला बहुत बड़े ज़्यादा खुशी ये लगते
कि अभी तक के बहुत से रोल करे हैं जिनमें कि ना ये में एक जो रोल करे हैं पंडित जी के रोल करे हमें, लेकिन इनमें एक अलग वैरायटी में करे हैं और बहुत मेहनत करके करे हैं इनमें, बहुत मेहनत के मतलब इनमें के जो डायलॉग वाला ये कर लिए ना इतना मतलब एक्टिविटी हो के पूरा एड़ी चोटी एक कर चुके हैं ये मोर जितका भी फिल्म है 40 कम से कम फिल्म करे हूँ लगभग 40-50 अभी तक के इनमें ये मोर ना अग्नि परीक्षा के रूप में इनमें साबित होना चाहता हूँ और मोर लिए अग्नि परीक्षा के रूप में इसे जिला में स्वीकारे हैं कि भाई ऐसे इसी टाइप के डायलॉग है काबर कई जन ऐसे कलाकार है जिनमें डायलॉग सुन के ना सीना आ जाए वो कई बार याद तो कट रहे कहा जहाँ कैमरा ऑन होने तक फट ले रही गाय कर रही किसी करना इसी भुला दल है लेकिन मैं एक लिए मैं आप मतलब भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूँ और हमारे निर्माता चंद्रशेखर चकोर जी मैं धन्यवाद दूँ कि एक अच्छा मतलब किरदार के रूप में बहुत दिन के बाद एक अच्छा अवसर मिले से ये फिल्म में मोर रोल करे के तो मैं हाँ संगवारी मन से अनुरोध चाहूँ कि ये जरूर इला एक बार अच्छा से मतलब अपन परिवार सहित आँख देखा। अच्छा पब्लिक में एक मैसेज जाते हैं कि बेटा मतलब बाप बेटा के रिश्ता या फिर माँ बेटा के रिश्ता ऐसे करके कहानी ला पिरो हो ऐसा करके, लेकिन हमला जो दर्शक है उमर ला ऐसे का चीज़ आप में नया चीज़ दिखाना चाहते हो बेटा के जो टाइटल है एकर से ये फिल्म में बेटा जो शब्द है बोला जरूर बेटा ग्रुप में पिरो गया है बेटा रहे थे लेकिन वो सौतेला बेटा रहे थे हीरो है। अच्छा। हालांकि बताना चाहिए स्टोरी ला सौतेला बेटा रहे थे और जो खुद को का बेटा रहे थे दूसरा बिहाव के वो मन गलत संगत में पढ़ के गलत आदमी हो गए थे वो कर माँ हाँ ये बेटा ला बेटा नहीं माना उद्योत कार्य थे लेकिन अंत में वही सौतेला बेटा है सब ला बचाते वो का इज्जत में ला मान मर्यादा बचा के सब ने मिला थे अंत में वो जीत वो के होते ये बेटा का महिमा है। जी जी अगर हम रिलीज के बात करें सर तो ये कौन से डेट में रिलीज हुआ थे कब आवा थे आप मन जरा हमारे दर्शक मतलब बताते हो। यह बहुत जल्दी 22 तारीख के ही 22 नवंबर के और शाम टाकीज में रिलीज हुई और डेट तो फिक्स है सब मालूम है बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और आपके चैनल में आप भी आए हो अब ये है यहाँ भी लिखा है 22 तारीख से श्याम टाकीज में लगत है। ये जानकारी हमारे सोशल मीडिया के तरफ से मुँह से जुबानी से अगर लोगन मतलब पता चले दर्शक मतलब पता चले तो ज़्यादा बेटर रहता। तो नमस्कार जय जोहार जय छत्तीसगढ़ जोहार छत्तीसगढ़।